आज हम देख रहे हैं कुछ ठंड भरी चीजें, क्योंकि गर्मियों में ठंडक मिलनी चाहिए। और शरबत हमने देख लिया कि किस तरह से ऑरेंज स्क्वॉश बनाया जा सकता है। अब बारी आती है आइसक्रीम बनाने की, और एक ऐसी आइसक्रीम जिसमें अंडा नहीं पड़ा है। घर में जब भी हम आइसक्रीम बनाना चाहते हैं तो आइसक्रीम बनती नहीं है। वो इसलिए क्योंकि आइसक्रीम बनाते हैं और फ्रीजर में जब रखते हैं तो आइसक्रीम एकदम बर्फ जैसी हो जाती है, एकदम सख्त। तो आइसक्रीम कैसे बनाई जाए घर में जो स्वादिष्ट हो और ऐसी हो जैसी बाजार में मिलती है, देखते हैं, शुरुआत करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप दूध ले लें, ये दूध, चलिए थोड़ा सा दूध बच गया है, ये मैं डाल देता हूं इसके अंदर। ये क्या है ये भी बताऊंगा, अभी दूध गर्म नहीं हुआ है। ये दूध, ये सिर्फ कॉर्न स्टार्च है, जो कॉर्नफ्लावर मिलता है वो मैंने लिया है, और दूध उसके अंदर मिक्स किया है। ये जो दूध लिया है उसके अंदर हम फ्रेश क्रीम मिक्स कर लेते हैं, और उसके साथ साथ ये चीनी भी डाल देते हैं हम। ये जो आइसक्रीम मैं बना रहा हूं ये केसर पिस्ता आइसक्रीम बनाते हैं, वैसे चलिए इसको बादाम केसर पिस्ता बना देते हैं। तो इसके लिए जरूरी है केसर डालना, तो दूध में केसर, ताकि केसर का रंग आ जाए। घर में जो आइसक्रीम होती है उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो लाइट नहीं होती है, काफी हैवी होती है। वो सिर्फ इसी वजह से कि घर में हम चर्निंग नहीं कर पाते हैं। तो अगर आपने चर्न करके आइसक्रीम बनानी है तो आपके पास कोई ऐसी चीज होनी चाहिए, कोई आइसक्रीम मेकर होना चाहिए, जैसे ये यहां पर है मेरे पास, ये देखिए ये कंटेनर, इसके अंदर आइसक्रीम का मिक्सचर जाएगा, और उसके बाद ये ढक्कन ऊपर लगा के और यहां किनारों पर बर्फ डालकर ये घूमती रहेगी। इसी में इसी तरह से ये चर्न होती रहेगी और साथ साथ फ्रीज होती रहेगी। ये चीनी घुल चुकी है, अब इसके अंदर ये कॉर्न स्टार्च दूध में घुला हुआ, इसे हमने मिक्स कर लिया है, और देखिए कॉर्न स्टार्च डालते ही ये काफी गाढ़ा हो गया है दूध, और उसके साथ क्रीम, और ये जो आइसक्रीम है केसर बादाम पिस्ता है, तो केसर डाल दिया, ये बादाम से मिक्स कर लेता हूं मैं, तो पिस्ता क्यों छोड़े, पिस्ता ये भी मिक्स कर लेते हैं, और अब इसे हमने ठंडा करना है। और आइसक्रीम मेकर जो है उसको भी तैयार कर लेते हैं, तैयार करने का मतलब कनेक्ट कर ले, और इसमें आइस भर लेते हैं हम, बर्फ, कुटी हुई बर्फ। ये जो बर्फ हम डाल रहे हैं ये पिघलनी नहीं चाहिए, इसके लिए जरूरी है कि थोड़ी बर्फ डालने के बाद नमक डालें। ये नमक मैं डाल रहा हूं, मोटा वाला नमक। नमक डालने के बाद एक बार फिर बर्फ, कुटी हुई बर्फ, इसको अच्छी तरह से दबा भी दें ताकि बिल्कुल गैप ना बचे इसके अंदर, और नमक डालें, इस तरह से तैयार कर लेते हैं, दबा देते हैं अच्छी तरह से। अब ये आइसक्रीम मेकर रेडी हो गया है। ये जो मिक्सचर है इसे हम एक बोल के अंदर ले लेते हैं, और इसे हमने ठंडा करना है अभी। और अब इसके अंदर हम थोड़ा सा आइसक्रीम एसेंस डालते हैं, और अगर आपको ऐसा लगे कि ये जो केसर पिस्ता आइसक्रीम है इसका रंग थोड़ा कम है, तो आप चाहें तो थोड़ा सा पीला रंग इसके अंदर डाल सकते हैं, नहीं तो वैसे तो केसर से भी काफी रंग आ चुका है। देखिए ये पीला रंग डालने से केसर कितना बढ़ गया। अब इसके अंदर मैं दो चीजें ऐसी डालूंगा जो बाजार की आइसक्रीम में डलती हैं। यदि आपके शहर में ये चीजें मिलें, आपको थोड़ी सी पूछताछ करनी पड़ेगी क्योंकि सारी चीजें सब जगह नहीं मिलती हैं। तो ये मैं डाल रहा हूं जीएमएस
और सीएमसी। अब आप सोचेंगे कि ये क्या चीजें हैं, ये वो चीजें हैं जो बाजार की आइसक्रीम में डलती हैं, उसे हम इसके अंदर डाल रहे हैं। ये और कुछ नहीं है, ये सिर्फ आइसक्रीम को स्टेबलाइज करती हैं। एक स्टेबलाइजर है और एक इमल्शन है। इसे मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेता हूं। ये तैयार हो गई हमारी केसर बादाम और पिस्ता की आइसक्रीम। जमना बाकी है, इसे ढक्कन को ध्यान से निकालें आप और ये मिक्सचर इसके अंदर। ये जो आप देख रहे हैं ब्लेड सा, इसकी वजह से ये आइसक्रीम जो किनारों पे चिपकेगी वो साथ साथ मिक्स होती जाएगी, चर्न होती जाएगी और आइसक्रीम जमती भी जाएगी क्योंकि किनारों में बर्फ है। इसको बनने में, पकने में समय लगता है। और अब इसे बंद करके इसे ऑन कर दें और इसे तब तक चलने दें जब तक आइसक्रीम जम ना जाए। इसको ऑन कर देता हूं मैं। चलिए एक और टिप दे देता हूं, ना तो आपके पास आइसक्रीम मेकर है, ना आपको बाजार में से जीएमएस मिला, ना सीएमसी मिली, तो आइसक्रीम फिर घर में बन ही नहीं सकती। खैर घबराने की बात नहीं है, आप इसी तरह से जो मैंने रेसिपी बताई है उसी तरह से आप आइसक्रीम बनाएं, उसमें जीएमएस और सीएमसी ना डालें, फिर आप फ्रीजर के अंदर इसी तरह से उसे जमा दें और आप जब थोड़ी देर करीब एक घंटे तक वो जम जाए, पूरी नहीं जमे, तब आप उसको निकाल के मिक्सर के अंदर चला लें। फिर जो आइसक्रीम है जैसे आप हमेशा बनाते उससे बेटर जरूर बनेगी। ये आइसक्रीम तो एकदम बेहतरीन है क्योंकि इसमें प्रोफेशनल टच है। खैर बना के देखें अपनी पसंद से फ्लेवर, उसके अंदर आप चॉकलेट डालें, फ्रूट्स डालें, अपनी पसंद की आइसक्रीम बनाएं, खाएं खिलाएं, इसी तरह से बढ़िया सी आइसक्रीम बनाएं और खाते रहें इस तरह से, या संडे बनाकर। जी हाँ, संडे हो या सैटरडे हो, आइसक्रीम संडे अगर मिल जाए तो मजा आ जाता है। इसके लिए हमें चाहिए आधा लीटर दूध, दो बड़े चम्मच कॉर्नस्टार्च, आधा कप क्रीम, 125 ग्राम चीनी, चुटकी भर केसर, 25 से 30 बादाम कटे हुए, 25 से 30 पिस्ते कटे हुए, 3 से 4 बूंदे आइसक्रीम एसेंस की, 2 से 3 बूंदे पीले रंग की, 1 छोटा चम्मच सीएमसी पाउडर और 1 छोटा चम्मच जीएमएस पाउडर। इसके लिए सबसे पहले एक पैन में दूध, फ्रेश क्रीम और चीनी और थोड़ा सा केसर डालकर इसे मिक्स करें और कुछ देर तक पकाएं। इसके साथ दूध में कॉर्नस्टार्च को घोलकर डालें और इसे भी कुछ देर तक और पकाएं। अब इसमें ब्लांच किए हुए बादाम और पिस्ता डालकर मिक्स कर लें और इसे ठंडा कर लें। इसमें आइसक्रीम का एसेंस और पीला रंग डालकर मिक्स कर लें। इसमें जीएमएस और सीएमसी पाउडर को छान कर डालें और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें। आइसक्रीम मेकर की साइड में बर्फ और नमक की लेयर लगाकर इसे तैयार कर लें। अब आइसक्रीम के मिक्सचर को आइसक्रीम मेकर में डालकर थोड़ा सेट कर लें और जब ये सेट होने लगे तब इसे निकालकर डीप फ्रीजर में फाइनल सेटिंग के लिए रखें और जमने पर ठंडी ठंडी सर्व करें।